दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एलजी की टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। एक वीडियो मैंने इसके ऊपर पहले भी बनाई है, उस वीडियो पे 6 लाख से भी ज़्यादा व्यूज जा चुके हैं। तो बहुत सारी इसमें कमेंट आ रही थी कि आप एक वीडियो फिर से बनाइए और सारे इसके जो फंक्शन हैं वो सब डिटेल में समझाइए। तो मैं आपको एक बार फिर से सारे फंक्शन के डिटेल में समझा देता हूँ। और इसमें कुछ लोग पूछ रहे थे कि खाली हमें कपड़े अगर धुलने हैं, अगर हम बाहर सुखाना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आप जान जाएंगे। अगर आपके धुले हुए कपड़े हैं आप इसमें सिर्फ सुखाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं सारे फंक्शन अलग अलग बता देता हूँ आपको। और जो मेरी पुरानी वाली वीडियो है जिसपे 6 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ गए हैं उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। और तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं, यहाँ से ऑन किया और उसके बाद में आप देखिए मैंने इसके अंदर ये बेडशीट वगैरह डाल दी है, कुछ 4-5 बेडशीट हैं। और उसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ट्रे होती है इसमें हमें डिटर्जेंट डाल देना है। तो ये हमने इतना डिटर्जेंट इसमें डाल दिया है, तो इस ट्रे को बंद कर देते हैं और उसके बाद में इसको ऐसे धीरे से छोड़ देते हैं, अपना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से मशीन को ऑन कर लेते हैं और उसके बाद में ये जो लेवल है यहाँ पे नॉर्मल और जेंटल और क्विक वॉश और स्ट्रॉन्ग का, तो यहाँ पे मुझे क्योंकि मैंने बेडशीट डाली है तो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर खाली आप कपड़े वॉश करना चाहते हैं, वॉश करने के बाद में आप कहीं बाहर धुल के सुखाना चाहते हैं, तो आप वॉश करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो वाटर लेवल दिया गया इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे कपड़ों के अकॉर्डिंग, जितने कपड़े आपने लिए हैं। ऑटोमेटिक भी हो जाता है लेकिन उसमें पानी ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए आप अपने हिसाब से कर लीजिए तो पानी की बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े के वजन के हिसाब से 6 पेज को ले लिया है और उसके बाद में हमें ये जो वॉश का है ये लेवल सेलेक्ट करना है, कितनी देर तक आप वॉश करना चाहते हैं। तो ये ज़्यादा गंदे अगर कपड़े हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, 15, 20, 18, 25 भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ज़्यादा गंदे नहीं है। तो मैंने 10 मिनट का इसमें ये ले लिया है, लेवल 10 का ले लिया है। तो उसके बाद में मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि रेंस करना है कि नहीं करना है, मतलब इसी मशीन में आप धुलना चाहते हैं क्या, बार बार कपड़े जो है कितनी बार धुलना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, अगर 4 टाइम धुलना चाहते हैं तो 4 पे कर लीजिए। अगर आप इसमें एक बार सिर्फ धुलना चाहते हैं कपड़े साफ पानी में तो उसको आप 1 पर कर लीजिए। अगर आपको साफ पानी में कपड़े नहीं धुलना है, वॉश करने के बाद में आप बाल्टी में धुल के छत पर फैलाना चाहते हैं, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है, इसको आप ऑफ कर देंगे, ऐसे ऑफ हो गया। उसके बाद में आपको इसमें स्पिन भी नहीं करना है, स्पिन का मतलब आपको इसमें सुखाना भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आप बाहर सुखाना चाहते हैं तो उसके बाद में इसको भी आप ऑफ कर दीजिए। ऐसे देखिए लाइट बंद हो गई, ऑफ हो गया। ये देखिए यहाँ पे मशीन घूमने लगी है, रुक रुक के घूमती है, अभी फिर से घूमेगी एक बार। और यहाँ पे ये देखिए पानी आने लगा है। और जो इसका कनेक्शन होता है टैप का वो आपको यहाँ पे लगा के रखना पड़ता है, और जो ड्रेनेज पाइप होता है वो नीचे गिरा के रखना पड़ता है। अगर आप इसमें टंगा रखेंगे तो मशीन काम नहीं करेगी, वहीं पर रुक जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ड्रेनेज पाइप का और ये जो टैप का कनेक्शन होता है उसका। तो ये पानी तो ले रहा है लेकिन मुझे अभी यहाँ पे इसको पॉज करना है और दूसरे जो इसके फंक्शन है वो मुझे बताना है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे आप एकदम कपड़े धुल के सुखा के निकाल सकते हैं, मतलब एक बार आपने कपड़े डाले और सीधे सूख के निकले। उसके लिए सबसे पहले तो पावर ऑन करते हैं, उसके बाद में कपड़े के हिसाब से आप इसमें नॉर्मल और ये स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हमने ले लिया है। और पानी का जो वाटर लेवल है तो वो हम इसको 6 पे ही कर देते हैं फिर से जैसे हमने पहले किया था। उसके बाद में टाइमिंग जो है 10 रख देते हैं, यहाँ पे कितनी देर के लिए धुलेगा ये 10 पे कर दिया। उसके बाद में हमें ये रिंस चाहिए, साफ पानी में सिर्फ हमें 2 बार चाहिए, 4 बार नहीं चाहिए, 2 बार साफ पानी में ये धुलेगा कपड़ों को। उसके बाद में हमें यहाँ पे हाई ड्राई चाहिए तो ये ज़्यादा अच्छे से सुखा देगा। अब देखिए यहाँ पे टाइमिंग भी बढ़ गई, कहाँ 13 मिनट दिखा रहा था आपको, कहाँ 50 मिनट हो गया। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कर देंगे, है ये सब स्टार्ट हो गया। अब ये फिर से पानी लेगा और ये कपड़े हमने डाले हैं गंदे, उसके बाद में धुलेगा, रिंस करेगा, फिर उसके बाद में स्पिन करेगा, तो सारे कपड़े हमें सूखे मिलेंगे 50 मिनट के बाद में। तो ये सारी प्रोसेस है। तो अभी ये देखिए 49 मिनट बचा हुआ है, पानी ले रही है मशीन और ये देखिए डिटर्जेंट इसके साथ में आ रहा है। तो ये आपको कपड़े 49 मिनट में वॉश करके पूरा सुखा के दे देगी मशीन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।